हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूटी गाइड और इस वीडियो में फिर से एक बार सबको स्वागत करते हैं। तो आज जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे वो है वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन 2020। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफिशियल पीडीएफ है। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा, मैं बोल दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और अच्छे लगने पर जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वीडियो को नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो आगे भी आपको वीडियो में जानकारी मिल जाएगा और डिटेल्स में। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो कि पोस्ट कैटेगरी है, जो पोस्ट नेम है वो है आपका डिप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस, और ये जो रिक्रूट हो रहा है वो हो रहा है वेस्ट बंगाल एसोसिएशन फूड सप्लाई कॉरपोरेशन में आपका रिक्रूट हो रहा है। तो बहुत सारा वैकेंसी है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, उसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको ऑनलाइन वेब फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं और सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेजुएशन से लेकर आप लॉ LLB जो भी आपका डिग्री है उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कि आपका सिलेक्शन प्रोसीडर क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो के आपका मालूम चल जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपका 150 रुपये, उसके साथ आपका लगेगा प्रोसेसिंग चार्ज, और फिर आपका प्लस 20 रुपीज़ आपका जो है बैंक चार्ज, यानी कि आपका टोटल हो गया आपका 220 रुपये के कुछ आसपास आपको लगेगा। और अगर SC ST PH कैंडिडेट है तो उसके साथ आपका खाली प्रोसेसिंग चार्ज, उसके साथ ये बैंक चार्ज आपका लगेगा जो कि 70 रुपये के आसपास होगा। और इसको आप चालान के माध्यम से भी दे सकते हैं, जो कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिट अकाउंट नंबर ये है जो चालान के जनरेट होगा आपका, और ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर है यानी कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर, वो आपका नोटिफाई किया जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। और एग्ज़ाम और जो भी होगा उसका सिलेबस भी आपको इसके बाद मेंशन किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप का वो है 1 नवंबर 2020 से लेके 1 दिसंबर 2020 के बीच में इसको ऑनलाइन में फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि आपका चालान है वो भी, उसका डेट भी यहाँ पे मेंशन है सारा कुछ डिटेल्स। और चलिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखते हैं कि सारा कुछ डिटेल्स क्या है और ये PDF आपको कहाँ से मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इस पेज में ज़रूर आ जाइए। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 1 नवंबर और जो लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2020 के बीच में आप इसको ऑनलाइन में फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फेज आपका आ जाएगा, जो कि फॉर्म फिलअप का नेक्स्ट फेज है। तो चलिए देखते हैं, अप्लाई ऑनलाइन में जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आएगा। अगर आप पहले से साइनअप नहीं किए तो साइनअप आपको करना होगा, अगर साइनअप ऑलरेडी कर चुके हैं तो लॉगिन पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके सारा कुछ डिटेल जो कि आप भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो के द्वारा आपका कुछ हेल्प होगा। तो अच्छा लगने पर लाइक, नया दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूटी गाइड। जय हिंद दोस्तों।